Okay guys, so finally it is time to start the Nanos project, Nanos car audio project. So guys, ये project चलने वाला है काफी लंबा, and जो भी नैनो के फैंस हैं या फिर कार ऑडियो के फैंस हैं, गाइस समझ लो उनकी तो लग गई है लॉटरी, क्योंकि ये बहुत लंबी सीरीज रहेगी एंड बहुत सारी चीजें इस गाड़ी के अंदर होने वाली हैं. सो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि इसके अंदर मैं क्या करने के मूड में हूँ. सो बेसिकली ये पैनल्स मेरे बने हुए हैं यहाँ पे स्पीकर्स के, इस डोर में भी एंड फ्रंट डोर्स में भी फिलहाल स्पीकर नहीं है, एंड पिलर पे भी गाइस स्पीकर्स हैं जैसा कि आप देख रहे हो, एंड फिलहाल इसके अंदर कोई सब ऊपर नहीं है, बूट एकदम खाली है. सो ऑब्वियसली बात है सब ऊपर भी आएगा. एक टाइम तक गाड़ी में 7 स्पीकर्स का सेटअप था, 2 ऑन द पिलर्स, 2 ऑन फ्रंट डोर्स, 2 ऑन रियर डोर्स एंड 1 सब ऊपर इन द बूट. बट करंटली देर आर ओनली 4 स्पीकर्स एंड कंपोनेंट्स नहीं है इसके अंदर. सबसे पहले मैं कंपोनेंट्स का भी इंतजाम कर दिया हुआ है, एंड ये गाइस इसके अंदर मैं स्टीरियो यूज कर रहा हूँ जो कि काफी एपिक है एंड इट वर्क्स एब्सोल्युटली फाइन. सो गाइस आज का मेरा जो मोटिव है, सबसे बड़ा मोटिव है, जितने भी एग्जिस्टिंग स्पीकर्स हैं उन्हें निकाल देना है. उसके लिए मैं ले आया हूँ एक लंबा सा स्क्रू ड्राइवर. सो सबसे पहले मैं इसको खोलना समझ लो शुरू कर देता हूँ. बेसिकली आप सोच रहे हो कि मैं खोल के रहूँ, क्योंकि गाइस इसके अंदर सारे के सारे स्पीकर्स, जितने भी स्पीकर्स हैं मैं सारे चेंज करने वाला हूं, एंड फ्रंट स्पीकर्स भी चेंज होंगे, कंपोनेंट्स भी ऐड होंगे, 6x9s भी चेंज होंगे, एंड गाइस एक सिक्स्थ ऑर्डर बैंड पास विद ड्यूल 8 इंच सबवूफर्स बूट में आएगा. सो वो एकदम लास्ट है, तो पहले हम ये सारा काम करेंगे एंड उसके बाद मैं इसकी वायरिंग भी चेंज करने वाला हूं, इसको क्लीनअप भी देने वाला हूं, एम्पलीफायर को भी रीट्यून करूंगा क्योंकि इस बार थोड़ा वायरिंग भी चेंज करनी है. तो सारा कुछ चेक होगा, सब एक एक वीडियो के अंदर आएगा. सो अभी आज के पर्टिकुलर वीडियो के अंदर है सारे स्पीकर्स खोलना, सारा इसका डैशबोर्ड खाली कर देना, जो भी ये यहाँ पे सामान आपको दिख रहा है सब मैंने एक बार पहले भी किया था, अब ये भर जाती है हर जगह, ये मुझे जगह अच्छी लगती है यहाँ पे. बस सबसे बड़ा नुकसान इसका ये कि यहाँ पे चीजें मैं फेंकता रहता हूँ. सो खोलना यार शुरू मैंने कर दिया है, रह गया बीच में, सो इसको खोल ही देते हैं, इसको निकाल देते हैं यार. बहुत वैसे मैं काफी टाइम हो गया इस वोल्टेक के 4 इंच यूज करते हुए, बहुत अच्छा स्पीकर है ये. सो मैं इसको खोलता हूँ, इन दोनों को खोलता हूँ, फिर आपको स्पीकर्स दिखाता हूँ ये वाले, एंड जब मैं इसमें रिप्लेस करूंगा तो मैं एक छोटा सा कंपैरिजन आपको दूंगा. सो गिव मी अ मोमेंट. ओके सो सारे स्क्रूज मैंने कर दिए लूज, ये रहे आगे मेरे हाथ में. देयर वी गो, ये इस टाइप का स्क्रूज गाइस मैं यूज कर रहा हूँ इसके साथ, एंड अब निकालते हैं इसे. चिपक गया होगा ये ग्रिल. सबसे पहले आ गई है हमारी वोल्टेक की काफी कूल लुकने वाली दिखने वाली ग्रिल, एंड ये है गाइस अपना 4 इंच फ्रॉम द वोल्टेक, एंड इसकी वायरिंग इट्स 1 एंड दैट्स 2. सो गाइस ये है अपना प्यारा सा 4 इंच स्पीकर फ्रॉम वोल्टेक, एंड 30 वॉट्स आरएमएस है और ये काफी अच्छा चलता है. जो इसका कोन है आई थिंक ये वोवन है, काफी अच्छा लगता है मुझे ये, आप देखो ध्यान से दिख रहा है. सो दिस इज द स्पीकर, यहाँ पे अब एक हो गया है काफी बड़ा सा होल. सो गाइस ये बेसिकली जो पैनल है मैंने बनाया था इसको फाइबर ग्लास से, एंड इट इज स्टिल परफॉर्मिंग वेल, एंड यहाँ पे स्पीकर रखने की वजह से ये थोड़ा सा खराब हो गया, बट 2 साल हो चुके हैं एंड अब दोबारा भी इसके ऊपर एक स्पीकर आ जाएगा तो ठीक है. एंड जो पीछे का शीशा है उसको मैंने एक पेपर से कवर कर दिया था, तो बहुत ही बढ़िया. सो इस चीज सॉलिड है गाइस. फिर ये है हमारे वोल्टेक के स्पीकर्स, मैं आपको जब इंस्टॉल करूंगा यहाँ पे दूसरे 4 इंच, सो मैं एक छोटा सा कंपैरिजन दूंगा, बट आई थिंक दे आर स्टिल बेटर मेड क्योंकि मैंने तो वो स्पीकर्स देख ही लिए, एंड आई होप कि वो वाले साउंड अच्छा करेगी, इनकी लुक एंड फील अच्छी है, काफी वेटेड है स्पीकर्स, एंड ग्रिल की लुक तो बहुत ही अच्छी है इस पर, स्पेशली विद दिस वाइट कलर काफी अच्छा लगता है, काफी सुंदर है मतलब दिखने में. स्पीकर लाउड इतना नहीं है बट इट गॉट प्रीटी डिसेंट मिड बेस, एंड थोड़ी सी डीप आवाज आती है अगर डायरेक्ट स्टीरियो से चलाना हो तो, एंड ऑब्वियसली बात है 30 वॉट्स रेटेड तो डायरेक्ट स्टीरियो से चलेगा. सो ये तो रही गाइस बात इनकी, अब चलते हैं हम पीछे. सो गाइस वेलकम टू रियर डोर, एंड यहाँ पे अपना ये पायनियर का 6x9 जो कि बहुत ही ऑसम साउंड करता है, बट एक टाइम आता ना गाइस कि जब यार अब इम्प्रूवमेंट चाहिए. अब पुंटो के अंदर एक हमने थोड़े टाइम पहले एक बहुत ही बड़ा मेजर ऑडियो अपग्रेड किया था, अगर गाइस आप लोगों ने नहीं देखा वो बाय चांस ऐसा नहीं करते, मैं आपको लिंक्स यहाँ पे तो टॉप पे दूंगा, ये सारे के सारे लिंक्स गाइस वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी रहेंगे, सो प्लीज डू चेक इट आउट. सो गाइस अब इसकी जगह तो गाइस हमारे आने वाले हैं सॉन्ग बर्ड का, जो मर्सिडीज वाला स्पीकर मैंने दिखाया था गाइस, उसकी अनबॉक्सिंग भी है और उसकी साउंड टेस्टिंग भी है, ऑलरेडी हो चुकी है चैनल पे, काफी टाइम पहले हो चुकी है. सो बेचारा तब से वो बॉक्स के अंदर ही पड़ा हुआ है, मुझे पता है ये काम मुझे बहुत पहले करना था बट मैं नहीं कर पाया, आई डोंट नो व्हाई, कई सारे काम बीच में आ जाते हैं. सो गाइस वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसके भी लिंक्स रहेंगे, वो चेकआउट कर लेना. सो फटाफट से गाइस मैं इनको खोलना स्टार्ट करता हूँ, एंड इस साइड भी ये सेम चीज है हमारी, एंड इसमें माइनस का स्पीकर है, तो माइनस का स्पीकर माइनस का स्क्रू है, तो हमें ये चाहिए इसके अंदर. सो ये मैंने घुमा लिया एंड यहाँ पे ये लगा लिया एंड इसको घुमाना शुरू कर दिया है.
गाइस जस्ट अभी इसकी ग्रिल उतारी है एंड चेक इट आउट, कितनी ज्यादा डस्ट आ गई है यार इसके ऊपर, ये देखो आप, देखा देखा। सो अच्छा है, चलो इसकी थोड़ी सी सर्विसिंग भी हो जाएगी लास्ट में इसकी। गाइस तो ये आ गए अपने पायनियर्स बाहर एंड काफी अच्छा स्पीकर है इसका, मॉडल है 6965S, सो 60 वॉट्स नॉमिनल, सही चलता है। एंड ये पेपर के कौन है इसका, काफी रिजिड है बट है पेपर ही, बट डज साउंड प्रीटी डिसेंट। एंड बस ये ठीक है। सो अब गाइस बारी है एम्पलीफायर की, या गाइस इस बार एम्पलीफायर भी निकलेगा, देन कारपेट्स भी निकलेंगे, कारपेट्स कह रहा हूँ, मैट्स अपने जो नूडल वाले मैट्स एक बार लास्ट टाइम भी निकाले थे मैंने, एंड उसके बाद स्टेरियो को भी निकालना है गाइस। अब सोच लो कि स्टेरियो में चेंज तो कर नहीं रहा, तो स्टेरियो को निकालना है भाई, क्लीनिंग के लिए निकालना है इस बारी। डैशबोर्ड का सारा सामान है सब निकलेगा, उसके बाद सारी क्लीनिंग होगी। आज मैं बेसिकली करने वाला हूँ सारी इसकी, मतलब जो कुछ भी है इसके अंदर सब निकाल दूंगा, यहाँ पे कुछ नहीं है। सो अब ये एम्पलीफायर निकलेगा एंड मैं इस बारी गाइस वायरिंग तक चेंज करने वाला हूँ, वायरिंग अपग्रेड करने वाला हूँ। आई थिंक इसमें भी 6 या 8 स्क्वायर एम की वायर डली हुई है, सो इस बारी 10 स्क्वायर एम पे शिफ्ट कर रहे हैं उसे। एंड उसके बाद वायरिंग का पूरा मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा कि कौन सी चीज कहाँ से चलने वाली है, क्योंकि इट्स अ 4 चैनल एम्पलीफायर, अल्पाइन वाला V12 काफी पुराना है बट डज वर्क प्रीटी गुड। सो इट्स बेसिकली अ 400 वॉट्स रेटेड एम्पलीफायर एंड मैंने इसको बेसिकली अगर देखा जाए तो शायद 350 के आसपास मैं यूज करूंगा इस बारी। एंड स्टेरियो से भी इस बारी सामान चलने वाला है, 4 स्पीकर्स तो स्टेरियो से चलेंगे। That's our amp Alpine V12. So, सबसे पहले ये हटा देते हैं अपने RCAs, इनको भी देखेंगे कौन सा वापस लगना है कौन सा नहीं लगना, लगेंगे तो चारों ही ऑब्वियसली बात है। एंड गाइस ये है इसकी दूसरी कनेक्शंस, सो मेनली हमें पावर वायर का थोड़ा ख्याल रखना है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं एक बार प्रॉपरली डायग्राम बना के आपको बताऊंगा कि कहाँ से क्या चीज चलेगी। सो अलाउ मी टू जस्ट ओपन दीज वायर्स इन अ जिफी। सो फाइनल कनेक्शन इज ऑल्सो बीन रिमूव्ड गाइज, ये जो वायर है ये है पॉजिटिव वायर फ्रॉम द बैटरी एंड ये लाइव वायर है, सो इसका हमेशा आपने ध्यान रखना है इसको, ये कहीं पर भी किसी भी मेटल पार्ट में यहाँ पे टच होगी तो इट विल जनरेट स्पार्क्स, बट मैं अभी करने नहीं वाला बिकॉज इट इज रिस्की। एंड जब भी इसको आप खाली ऐसे ही छोड़ो तो इसको रैप कर देना, टेप आती है ना अपनी इलेक्ट्रिकल टेप, उससे रैप कर देना। ओके सो अब एम्प हो गया फ्री, अब मैं सारा सामान लेवरी अंदर खाता हूँ एंड उसके बाद देखते हैं यहाँ पे फिर स्टेरियो निकालते हैं। हाँ यार स्टेरियो याद ही नहीं रहा था। So I've already removed the wiring connectors of this awesome Voltex stereo. इसको बस एक बार निकाल लूँ तो मज़ा आ जाए, पर ये एक हाथ से आ नहीं रहा है, फंस गया। आया 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 and there we go guys. It's pretty thick unit and काफ़ी भारी है ये, एंड ये इसकी guys वायरिंग है, तो ये चीज़ आ गई बाहर। सो ये है गाइस अंदर का नज़ारा। सो अब यहाँ पे गाइस ये जो आप वायरिंग देख रहे हो इसको भी मैं थोड़ा सा रिफाइन करूँगा और एंड इस बटन की भी देखता हूँ, बटन की वजह से वायरिंग ठीक है एकदम, बाकी पावर की एंड ऑल एवरीथिंग। सो एक तरह से देखा जाए तो अब सारा कुछ गाड़ी का हमने निकाल दिया, जो जो मेन मेन चीज़ें थे, डैशबोर्ड खाली करते थे। ओके गाइस सो फिलहाल जो गाड़ी के अंदर ऑडियो का सामान था वो सारा तो मैंने कर दिया है ओपन, एंड अब वायरिंग है, वायरिंग को मैं किसी और पर्टिकुलर वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि मैं उसमें क्या करने वाला हूं। सो अभी ये सारा सामान तो लेके चलते हैं अंदर, इन सबको रख देते हैं साइड में। ये आइटम वापस आने वाली है एंड ये आइटम भी वापस आने वाली है, बट स्पीकर कोई वापस नहीं आने वाला। सो उसके बाद सेकेंड फेज में सारा डैशबोर्ड खाली करते हैं, लेट्स गो। यो मैंने कर दिया है गाइस डैशबोर्ड भी खाली है, ये है चीजें जो निकली, ये और ये फेंकने वाली चीज है, बाकी इन सबको रखना है। एंड मैं होल्डर्स को भी निकालने वाला हूँ इस बार, क्योंकि क्लीनिंग करेंगे तो ढंग से करेंगे, पिछली बार भी कंप्लीट क्लीनिंग नहीं थी बट ठीक है काम बढ़िया हो गया था। एंड गाइस पीछे का भी मैंने सारा कुछ निकाल दिया है, कप होल्डर के अंदर ये हमारा आईपॉप जी पड़े हुए थे बहुत ही टाइम से, जब हमने नैनो के स्टीयरिंग पे गाइस ये लेदर लगवाया था एंड तब से यहीं पे पड़ा हुआ है, तो इसको भी अंदर ले जाऊंगा क्योंकि इसका भी कोई काम नहीं रहा। तो ये सब कुछ निपट ही गया, मैं आपको सामान दिखा देता हूँ। गाइस बंजर गाड़ी कुछ इस हिसाब से लग रही है, स्पीकर्स के बड़े बड़े होल रखे हैं यहाँ पे तो काफी पहले से ही था, सो इसको इकट्ठा ही भरा जाएगा अब। एंड ये सारा गाइस हो चुका है अच्छी तरह से खाली, एंड पीछे के डोर्स में देखा जाए तो ये एक कप होल्डर रह गया है एंड होल्स बड़े बड़े आ चुके हैं, सो इस कप को भी बाहर निकाला जाए। यार पता नहीं यार कब से पड़ी हुई रहती हैं चीज़ें, तो इसको भी ढंग से साफ करेंगे। एंड या हो गया गाड़ी का काम, नाउ विल शो यू द स्टफ एंड एंड दिस वीडियो। ओके सो गाइस ये है बेसिकली स्टफ, इन पायनियर्स की जगह पे आने वाले हैं सॉन्ग बर्ड एंड इन वर्टेक्स की जगह पे आने वाले हैं another song but 4 inch 6x9 30 watts 100 watts and yinka hardware. So guys that's about this video, I hope you guys like this dismantling kind of a video of our beautiful nano, but ये करना है हमें अपग्रेड के लिए, अपग्रेड गाइस होने वाला है बहुत ही ऑसम। सो सारे के सारे वीडियोस गाइस आप लोगों ने चेकआउट करने, कार ऑडियो फैंस आप सबको बहुत मजा आएगा, सो प्लीज डू वॉच एवरी वीडियो इन दिस एंटायर सीरीज। सो गाइस अगर आप नए हो मेरे चैनल पर सो प्लीज डू वॉच दिस वीडियो एंड सम ऑफ द अदर वीडियोस, ये तो आपने देख ही लिया, मैं समझ नहीं आ रहा बोल के रहा हूँ। बेसिकली मुझे बोलना था कि आपने वीडियोज की सेक्शन एंड प्लेलिस्ट की सेक्शन चेकआउट करना है, कुछ भी आपको अच्छा लगता है तो आपने करना है कंसिडर सब्सक्राइब या फिर शेयर करना है चैनल को। सो गाइस अब मिलेंगे बहुत जल्द किसी और ऑसम से वीडियो में, बाय, टेक केयर, सी यू, हैव लॉट्स ऑफ फन।